आज दीपावली का पावन पर्व है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहां कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। कितना उत्तम संदेश है। इस श्लोक में कहा है, प्रकाश जीवन में सुख स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आता है। जो विपरीत बुद्धि का नाश करके सद्बुद्धि दिखाता है, ऐसी दिव्य ज्योति को मेरा नमन। इस दीपावली को याद रखने के लिए इससे बेहतर विचार और क्या हो सकता है कि हम प्रकाश को विस्तार दें, पॉजिटिविटी का प्रसार करें और शत्रुता की भावना को ही नष्ट करने की प्रार्थना करें। आजकल दुनिया के अनेक देशों में दिवाली मनाई जाती है। विशेष बात यह है कि इसमें सिर्फ भारतीय समुदाय शामिल होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि अब कई देशों की सरकारें, वहां के नागरिक, वहां के सामाजिक संगठन दिवाली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक प्रकार से वहां भारत खड़ा कर देते हैं। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। हमारे यहाँ तो हर राज्य, हर क्षेत्र के अपने अपने इतने विभिन्न उत्सव होते हैं, दूसरे देशों के लोगों की तो इनमें बहुत दिलचस्पी होती है। इसलिए भारत में फेस्टिवल टूरिज्म बढ़ाने में देश के बाहर रहने वाले भारतीयों की भूमिका भी बहुत अहम है।